नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टूट पे आज हम फिजिक्स का टॉपिक पोजीशन पढ़ेंगे इसके दो पार्ट्स हैं रिलेटिव पोजीशन 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 और एब्सोल्यूट तो पुजिशन होता क्या है बेसिकली पोजीशन होती है लोकेशन कि कोई भी चीज या आप या कुछ भी चीज अगर आपको किसी को लोकेशन बतानी है उसकी तो वो पोजिशन होती है ये लोकेशन आप दो तरीके से बता सकते हैं एक होती है रिलेटिव पोजिशन और एक होती है एब्सोल्यूट पोजिशन पहले हम पोजिशन समझते हैं सपोज कीजिए कि चार लोग हैं ए बी सी और डी जो कि एक रो में बैठे हैं जो कि एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस uh, पे है फ्रॉम द नेबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो मेरा ए है वो लेफ्ट में है और जो मेरा डी है वो मेरे राइट right में है हमें बी की पोजिशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ए सो ए के रेस्पेक्ट में वो राइट right पर है इमीजिएट राइट सी के रेस्पेक्ट में वो इमिजिएट लेफ्ट पे है और डी के रेस्पेक्ट में वो लेफ्ट में है देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं

सबके अकॉर्डिंग आप जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप सबके अकॉर्डिंग वो जो मग है वो अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है हो सकता है किसी के अलमारी के ऊपर रखा है अलमारी के नीचे रखा है मैंने बोला अलमारी के साइड में रखा कुछ भी कहीं पे भी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये जो पोजिशन होती है जिसमें रेफरेंस पॉइंट हमारी अलमीरा है उसको बोलते हैं अब एक पोजिशन ऐसे हुई जैसे मैंने आपको बोला की अः दो मीटर नॉर्थ ईस्ट में जो मग रखा है वो लाइए अगर आप नॉर्थ में पॉइंट कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि आप अपने राइट साइड पे जाएंगे और वहां पे जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मग रखा हुआ है आप उठाएंगे बकायद आप ये मान के चलेंगे कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं बिकॉज मैंने ऐसा कहा है तो सबके लिए जो पोजीशन होगी वो सेम होगी आप दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे तो आप उसको इजीली देख सकते हैं इसी चीज का यूज गूगल मैप्स करते हैं जैसे गूगल मैप में जो आप पोजीशन डालते हैं वो आप एब्सोल्यूट पोजिशन डालते हैं ये कैसे पता हम ये नहीं बोलते हैं कि मोनू के बगल वाला घर देखना है नहीं आप बोलते हैं कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है अगर आप उसको सेटिंग्स चेंज करके देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पोजीशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके आती है तो वो जो पोजीशन जिसमें कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हो गई मेरी एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन होती है अगर मैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बता के आपको कोई पोजिशन दो एब्सोल्यूट पोजिशन में क्या होता है कि मेरी दो एक्सेस है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इन दोनों एक्सेस का जहां पे इंटरसेक्शन uh, पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट पॉइंट ओ ओ मेरी सारी जो होती है, वो इस के में दी जाती है जैसे अगर मैं बोलूंगी कि ए की पोजिशन बी के रेस्पेक्ट में क्या है तो ये होगी मेरी रिलेटिव पोजिशन और पोजिशन होगी या तो लेफ्ट या फिर वेस्ट ऐसे मैं बोलूंगी सी के रेस्पेक्ट में तो या तो होगी नॉर्थ या होगी ऊपर बट एब्सोल्यूट पोजिशन पॉइंट ए की होगी नॉर्थ वेस्ट सो अगर मुझे आपको पूछना हो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है आप इजीली कह सकते हैं डी पॉइंट है तो यहाँ पे एसिलेेट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन काम आती है आई होप कि इट्स वेरी क्लियर टू यू नेक्स्ट लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सो सबसे पहले व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू डी तो मेरा ई पॉइंट यहाँ है और मेरा डी पॉइंट जो है वो यहाँ है तो ई e की जो पोजीशन है या तो वो वेस्ट हो गई हम बताते कैसे हैं पोजीशन तो ई e की बतानी है ई e की बतानी है तो वहां पे बना दो एक एरो और जिसके रेस्पेक्ट में बनानी है वहाँ पे बना दो एक दो एक डॉट अब अब इन दोनों को कनेक्ट कर बताओ ये ये कौन सी डायरेक्शन डायरेक्शन है ये है वेस्ट पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू तो बी की बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ई तो बी तो बना तो e? तो e. तो पे बनाया मैंने एक e एरो तो हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन

ज ऑल्सो यूर एब्सोलूट पोजिशन नेक्स्ट हो गया इट इजैक्ट पोजिशन आपको एक्जैक्टली exactly पता होगा कहाँ है अगर आप गूगल मैप्स पर डालेंगे ईस्ट आप डाल आपको एक एक्टिशन और एक्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी इसमें हम कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं देते हैं रेफरेंस पॉइंट जो इसमें होता है वो फिक्स होता है डॉट कॉम एंड डू विजिट आर साइट सो दैट आप इसी तरह की और वीडियो देख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होप टू सी यू सोन टेक केयर